71,000 किलोमीटर ही पहुंचा था चंद्रयान 3। तभी नासा से आया एक डरा देने वाला वीडियो। कल 2 बजे से 3 बजे के बीच यानी कि 20 जुलाई 2023 को फोर्थ ऑर्बिट में एंटर करवाया गया चंद्रयान 3 को। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया फोर्थ ऑर्बिट रेजिंग मनूवर। चौथी ऑर्बिट एस्टैब्लिश किया गया चंद्रयान 3 को। इसके लिए अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग की गई यानी कि जब चंद्रयान घूमकर धरती के पास आया, अभी चक्कर काट रहा चंद्रयान धरती का, और धरती के अराउंड घूमते घूमते जब एक पर्टिकुलर मोमेंटम गेन कर लेगा, उसके बाद इसरो साइंटिस्ट इसके इंजन को चालू करेंगे और ये सीधा ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी यानी कि उस हाईवे पर चला जाएगा जिसकी मंजिल होती है चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें ये चौथा ऑर्बिट मनूवर करके जितनी खुशी हो रही थी इसरो साइंटिस्ट को, उससे ज्यादा बड़ा एक झटका मिला है। जी हाँ दोस्तों, नासा की पुरानी लाइब्रेरी से एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जो दिमाग खराब कर देगी आपका। जी हाँ दोस्तों, कल इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC, इस ट्रैक कहा जाता है, बेंगलुरु में स्थित है और इसका काम है कि ये किसी भी सैटेलाइट को जिसको लॉन्च करता है इसरो, उसको ट्रैकिंग करते हैं और जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन में आ जाए तो उसके बूस्टर्स को ऑन करके, उसके इंजन्स को ऑन करके उसे पर्टिकुलर ऑर्बिट में सेट करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर अपने जो पहले से प्री प्लान डिसाइडेड जो पाथवे है उसको फॉलो करते रहे। जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था तो आपको बता दें फोर्थ ऑर्बिट में है अभी एट प्रेजेंट चंद्रयान 3 और ये आपको बता दें 233 किलोमीटर बाय 71,351 किलोमीटर की एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। 71,000 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका है दोस्तों चंद्रयान, और तभी नासा ने वो डरा देने वाला वीडियो जारी किया। आपको बता दें दोस्तों, ये वीडियो अभी जारी नहीं किया है नासा ने, नासा की लाइब्रेरी से ये वीडियो निकाला गया है और अब वायरल हो रहा है। क्या है इस वीडियो में, ध्यान से सुनिए और बड़े गौर से समझिए। ये बात है अपोलो 12 मिशन के दौरान, ये 1969 की बात है, 1969 की अपोलो 12 की तैयारी हो रही थी। उसमें एस्ट्रोनॉट्स पीट कॉनराड और एलन बीन को नवंबर 1969 में चांद की सतह पर भेजा जाना था। यह दूसरा ल्यूनर सरफेस एक्सप्लोरेशन मिशन था नासा का, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा की धरती पर उतारा जाना था। और इस मिशन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था वो पार्ट जिसमें एक पहले से ही चंद्रमा की सतह पर पड़े प्रोब, जिसका नाम था सर्वेयर 3 प्रोब, उसे वहां से उठा करके वापस धरती पर लेकर आना। अब ये क्यों किया जा रहा था, इसका मेन कारण ये था कि वो प्रोब जो था सर्वेयर 3 प्रोब जिसका नाम था, वो लगभग 2.5 साल तक के चंद्रमा की सतह पर यूं ही पड़ा था और जो साइंटिस्ट थे वो स्टडी करना चाहते थे कि वहां पर मौजूद जो हार्डवेयर है उस इक्विपमेंट का, उसके ऊपर ल्यूनर एनवायरनमेंट ने क्या प्रभाव डाला, वहां के एनवायरनमेंट ने उसके ऊपर क्या इफेक्ट डाला। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर जिसको स्टडी करना चाहते थे पृथ्वी पर बैठे साइंटिस्ट, वो था सर्वेयर 3 प्रोब के अंदर लगा वीडियो कैमरा। और उस कैमरे के अंदर हम सब जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। रिसर्चर्स चाहते थे कि उन सारे अलग अलग प्रकार के मेटल्स और मटेरियल्स के ऊपर में चंद्रमा पर खुले रहने की वजह से पड़ने वाले रेडिएशन का क्या असर हुआ, वहां तापमान का जो उतार और चढ़ाव होता है, जब धूप पड़ती है तो 100 से पार पारा चला जाता है, जब धूप नहीं पड़ती है तो -100 के नीचे आ जाता है पारा, उसका क्या असर पड़ा हर मटेरियल पर और हर एलिमेंट और मेटल पर, इसका क्या असर पड़ा, इसको स्टडी करके नासा प्लान कर रहा था कि इस डेटा को रिकॉर्ड किया जाएगा और कल को, ये बात हम 1969 की बता रहे हैं, 1969 की बता रहे हैं, तो और कल को अगर नासा को एक खुद का मून बेस चंद्रमा पर अगर बनाना पड़ा तो उसके इक्विपमेंट और हार्डवेयर वहां किस तरीके से काम करेंगे, इसका एक अजम्पशन, एक कंक्लूजन वो निकालते इस कैमरे पर पड़े हुए असर को स्टडी करने के बाद। अब होता क्या है, ये जो एस्ट्रोनॉट थे अपोलो 12 मिशन के पीट कॉनराड, एलन बीन वहां उतरते हैं और उतरकर सर्वेयर 3 प्रोब के सारे हार्डवेयर और इक्विपमेंट को कलेक्ट करते हैं बहुत सही तरीके से, बहुत सेफ्टी के साथ, और उसे उठा करके ये वापस धरती पर ले आते हैं। जब यहां लाते हैं और रिसर्च उसको स्टडी करते हैं तो रिसर्च को एक बहुत ही अजीब चीज नजर आती है और ये चंद्रयान 3 के लिए बड़ी घातक चीज है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब रिसर्च उस कैमरे को स्टडी करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, ध्यान से सुनिएगा माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, तो उनके सामने जो नजारा आता है वो होश उड़ा देने वाला आता है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें नजर आता है माइक्रोबियल एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, उस कैमरे के अंदर कुछ बैक्टीरिया पनप रहे थे। सोच के देखिए, ये जो
सर्वेयर 3 प्रोब था जिसके अंदर से वो कैमरा निकाल के लाया गया था, ये 17 अप्रैल 1967 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था, 1967 को, और इसे लाया गया 1969 को, यानी कि 2 साल से ऊपर बीत चुके थे। चंद्रमा की सतह पर वो बैक्टीरिया जिंदा था। अब वो बैक्टीरिया था या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो देखना चाहते थे कि ये टेरेस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ये धरती का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई सूक्ष्म जीव है, या फिर ये कोई परग्रही सूक्ष्म जीव है। जब उन्होंने गहन अध्ययन किया तो समझ में आया कि ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस। उसके बाद थियोरीज सामने आई। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि सर्वेयर 3 प्रोब को जब पीट कॉनराड और एलन बीन एस्ट्रोनॉट वहां से लेकर आ रहे थे, उस वक्त ये जो था कंटामिनेट हुआ होगा, या फिर उसे जब धरती पर ले आया गया और इसके ऊपर स्टडी चल रही थी, जो रिसर्च स्टडी कर रहे थे, रिसर्चर साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे कि इसके ऊपर क्या असर पड़ा, उनकी वजह से हो सकता है कि उनमें से किसी ने उसे छू लिया या उस पर अपनी सांस छोड़ दी हो, छींक दिया हो, खांस दिया हो, जिससे ये स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस की जो ग्रोथ है हम कैमरे के अंदर देख पा रहे हैं। दूसरी थ्योरी ये थी कि जब ये जो कैमरा जिसे इंस्टॉल किया गया था सर्वेयर 3 प्रोब में 1967 में, जब इसे लॉन्च किया जाना था, जब इसे बनाया जा रहा था, इस कैमरे को लगाया जा रहा था सर्वेयर 3 प्रोब में, उस वक्त इसका कंटामिनेशन हो गया होगा और ये 2.5 साल तक के चंद्रमा की सतह पर जो ही पड़ा रहा। वापस जाकर जब एस्ट्रोनॉट उसे लेकर वापस आए 2.5 साल बाद, तब भी इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ दिखी। दोनों ही बहुत बड़ी बातें दोस्तों। फर्स्ट बात अगर है, अगर इसका कंटामिनेशन सर्वेयर 3 प्रोब का धरती पर लाने के बाद हुआ, इसे मतलब कि बोलना चाहिए कि यहाँ पर चेक करने वालों ने गलती से संक्रमित कर दिया, तो बात अलग है। लेकिन अगर इसे पहले से ही संक्रमित कर दिया गया था और इसके बाद चंद्रमा पर गया और वहाँ इतना लंबा समय काट लिया, यानी कि बहुत बड़ी बात है। हम आपको बताएंगे कैसी बड़ी बात है। सबसे पहले जितने भी नासा के फॉर्मर साइंटिस्ट थे, पुराने और नए, दोनों ने कह दिया कि चांसेस बहुत कम है कि जब सर्वेयर 3 प्रोब को वहां से लेकर क्या करे धरती पर चेक करने के लिए लगाया गया, तब उस समय इसका कंटामिनेशन किया गया होगा, क्योंकि इसे लाया ही इसीलिए जाना था चंद्रमा की सतह से कि इसके अंदर क्या असर पड़ा उसको समझा जाए। तो बहुत ज्यादा बारीकी के साथ में वहां कलेक्ट किया गया था सैंपल को और लेकर के धरती पर लाया गया था। और यहां पर भी साइंटिस्ट बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, ये उन्हीं का मिशन था कि उनको चेक करना था कि भाई स्पेस का क्या असर पड़ता है, मून का क्या असर पड़ता है, वहां के एनवायरमेंट का, लूनर एनवायरमेंट का क्या असर पड़ता है इन मटेरियल्स पर। तो वो उसको खुद कंटामिनेट नहीं कर सकते, तो ये थ्योरी सीधी सीधी कैंसिल हो गई। अब आती है दूसरी थ्योरी, यानी कि ये बैक्टीरिया जो था ये पहले ही चिपक कर चला गया था यहां से धरती से, और लूनर एनवायरमेंट पर रहने के बावजूद ये वहां पनपता रहा, और जब बाद में इसे धरती पर लाया गया तब भी ये जीवित था। इसका मतलब ये कि ये जो बैक्टीरिया है ये स्पेस के एनवायरमेंट में पनप सकता है, और अगर ऐसा है तो हम ह्यूमंस की और इवन जीवन की, जीवन एक ग्रह से दूसरे ग्रह में कैसे फैलता है, इसकी थ्योरीज हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी दोस्तों। आप समझ रहे हैं, हो सकता है कि हमारी भी उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति धरती पर इसी तरीके से किसी एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने से हो सकती है जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और उसके बाद इवोल्यूशन के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो गए, ऐसा भी हो सकता है। यहां दोस्तों बात है चंद्रयान 3 की, तो अब चूंकि हमने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया वहां पाया गया इसे मून बग का नाम दिया गया, मून बग। अब अगर समझ के चलिए, धरती पर से चंद्रयान को जब बनाते वक्त गलती से किसी साइंटिस्ट से कोई गलती हो गई होगी, और यहां से कोई और, ये बात 1969 की थी, अब बात 2023 की हो रही है जब एक बड़ी महामारी ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लिया था, 2020 को भूलिएगा नहीं। तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पूरा फ्लोरा और फाउना है वो एकदम चेंज हो चुका है। ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार का मॉडर्न एज का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक कर चंद्रयान के साथ चला गया होगा तो वहां कंटामिनेशन कर सकता है चंद्रमा पर, और जब वहां पर मून मिशंस किए जाएं तो वहां से ये वापस धरती पर आकर के बड़ी महामारी फैला सकता है। ये सब कुछ एक कंसेप्चुअल थ्योरीज है, लेकिन हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस अगर चंद्रमा की सतह पर रहकर जिंदा बच सकता है तो दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर ही ना, हमारे पास उसकी काट की कोई वैक्सीन ना बन पाए और पूरी धरती इस कंटामिनेशन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या लगता है आपको, क्या जीवन इसी तरीके से फैला होगा एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर, क्या कहना है आपका, क्या विचार है आपके, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंतर्गत।